रूबी आसिफ खान ने आज जब अपनी गोद में गणेश भगवान की प्रतिमा को विसर्जन करने के लिए घर से लेकर निकली तो हर नजर उन्हीं को देख रही थी। बता दें जब रूबी ने अपने घर पर प्रतिमा स्थापित की थी तो उनके गणेश पूजन करने पर मौलवियों ने तरह तरह के बयान दिए थे। उन सभी बयानों को दरकिनार कर रूबी ने गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल पेश की है। कुरान में अल्लाह ने कह दिया है कि मुशरिक की मगफिरत नहीं है। अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की तुम पूजा करते हो और अपने हाथों से पत्थर के बुत बना के अपने सामने रखते हो, उनको रोटियां भी खिलाते हो। अगर ये रोटी के मोहताज हैं तो ये तो वैसे ही भगवान नहीं है। शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, अल्लाह के सामने झुकते हैं। तो अगर किसी मुसलमान ने गणपति पूजा कर ली तो क्या वो काफिर हो जाएगा? क्या वो मुसलमान नहीं रह जाएगा? क्या फिर उससे उसे दोबारा से कलमा पढ़ना पड़ेगा? और अगर आप उसकी पूजा करते हैं या उसके आगे सिजदा करते हैं, सिवाय खुदा के सिजदा कहीं भी अलाउड नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपके आगे भी सिजदा जो था वो हराम था, सिर्फ खुदा के लिए अलाउड है। देखिए इस्लाम में तो महिलाओं का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है। मैंने गणेश जी की पूजा अपने ऑफिस में ही की है, अपने चैम्बर में ही की थी कल, और बहुत धूमधाम से की थी। भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी, तभी से ये फतवे जारी हो गए मेरे ऊपर मौलानाओं के कि ये हिंदू बन चुकी है, इनने अपने यहाँ मूर्ति रख ली, इसे इस्लाम से खारिज करो और परिवार को जिंदा जला के मारो, इस तरीके की धमकी है। नहीं है, अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें तो इस्लाम एक बड़ा एक सॉफ्ट दीन है जो कि तालीमात के ऊपर फैला हुआ है। अब इंडियंस ने क्या किया है कि हमारा इमेज जो है बदनाम किया हुआ है, अब वहाँ पर वो एज ए मुस्लिम बनकर जो है वो हमारी इमेज को मजीद खराब कर रहे हैं। जिस सलमान खान साहब ने अगर रिचुअल्स जो होते हैं, वैदिक रिचुअल्स होते हैं, सनातन धर्म के रिचुअल्स होते हैं, हम सबके रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं, हम क्यों उनको गलत कहें? उन्होंने वो कर लिया और अकॉर्डिंग टू किसी मुफ्ती के वो इस्लाम से खारिज हो गए, तो ये ठीक है। अगर ऐसा माना जा रहा है तो ठीक है, दोबारा कलमा पढ़ लें, माफी मांग लें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों हाल ही में गणेश उत्सव गया है और उसको लेकर पूरी दुनिया में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया गया, वो हमारे भारत में हो या विदेशों में हो, सभी अपने घर पे गणपति की मूर्ति रखकर पूजा किया और उसको विसर्जन भी किया। लेकिन इसी मौके पर, गणपति उत्सव के मौके पर, यूपी के एक मुस्लिम लड़की ने भी जो गणेश महोत्सव बनाया और उसके साथ साथ अपने घर में गणपति जी की मूर्ति स्थापित की और उसको विसर्जन करने के लिए जब लेने गए तो मौलाना जो थे वहां पर उनको फतवा देने लगे और उनके जो पड़ोसी थे उसको बुरा भला कहने लगे। और पाकिस्तान से भी, अब ये वीडियो जब वायरल हुआ, पाकिस्तान से भी मौलाना इसको बुरा भला कह रहे हैं, जैसे कि आपने इंट्रो में देखा। तो इस तरीके की कट्टर भाव मतलब पाकिस्तानियों से तो देखने को मिलती है, लेकिन हमारे भारत में भी अब कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि अब जो ये सेकुलरिज्म है ये बस नाम की रह गया है। अब आपको सिर्फ हमारे जो मेजोरिटी है उसको सिर्फ माइनॉरिटी के उत्सव मनाने पर ही खुशी मनाया जाता है दुनिया भर में, लेकिन अगर माइनॉरिटी कभी मेजोरिटी की उत्सव मना ले तब इनकी मौत आ जाती है, जैसे कि पाकिस्तानी मौलाना को आ रही है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। क्या अगर किसी ने गणपति की पूजा कर ली, क्योंकि हिंदुस्तान में गणपति पूजा का अलग ही महत्व होता है और तमाम जगह गणपति पंडाल लगते हैं और हर धर्म के लोग उन पंडालों में जाते हैं, तो अगर किसी मुसलमान ने गणपति पूजा कर ली तो क्या वो काफिर हो जाएगा? क्या वो मुसलमान नहीं रह जाएगा? क्या फिर उससे उसे दोबारा से कलमा पढ़ना पड़ेगा? इस बाबत कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है? तो क्या गणपति पूजा में जाने का मतलब है कि आप मुसलमान नहीं रह जाएंगे? यहाँ तक अल्लाह का ताल्लुक है, अल्लाह इस बात को हरगिज़ पसंद नहीं करता कि उस शिर्क किया जाए, यानी किसी और को शरीक किया जाए, कोई भी वो गॉड या गॉडेस है किसी भी धर्म का। और अगर आप उसकी पूजा करते हैं या उसके आगे सिजदा करते हैं, सिवाय खुदा के सिजदा कहीं भी अलाउड नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपके आगे भी सिजदा जो था वो हराम था, सिर्फ खुदा के लिए अलाउड है। कि अच्छा, कुछ मुफ्तियान, कुछ ऐसे लोग ये बात कहते हैं जो कि अगर आप गैर मुस्लिम लोगों के, हिंदुओं के या सिखों के या ईसाइयों के, उनके जो कुछ धार्मिक जो भी फंक्शंस हैं या उनके धार्मिक त्यौहार हैं, जैसे होली है, दिवाली है, क्रिसमस है, गुरपुरब है, उसमें अगर आप शामिल हो जाते हैं तो आप इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्लाम इतना हल्का, इतना ये समझिए कि इतना कमज़ोर नहीं है कि मान लीजिए मैं आपके घर आता हूँ, बैठ जाता हूँ, मैं पूजा में शामिल नहीं होता, मैं कोई वहाँ पे दिया नहीं जलाता है, कुछ नहीं करता, मैं बैठ के बस शामिल हो जाता हूँ, तो मैं उतना ही पक्का मुसलमान रहूँगा जितना पूजा में आने से पहले। ये इंटरप्रिटेशन का मामला है और ये कुछ जो बहुत ज़्यादा ज़ीलस जो हमारे उलेमा अकाबरीन हैं, तो मेरा गणपति बप्पा मौर्या में जो पूजा हो रही है आपके घर में या दिवाली का कोई फंक्शन हो रहा है, होली पे मैं बता दूं, एक बात को कहकर ख़त्म करता हूँ। मेरा एक दोस्त है पुराना, जहाँ मैं काम करता था, आई वॉज टीचिंग, वो पिछले 33 साल से 33 ईयर से होली वाले दिन आता है, मेरे सर पर टीका लगा के वो चला जाता है, वो जो गुलाल का होता है। तो एक मौलवी साहब कहने लगे, मुझे देख लिया घर पे, कहने लगे साहब आप तो खारिज इस्लाम हो गए। मैंने कहा मेरा इस्लाम इतना कमज़ोर नहीं है, और भी मजबूत होता है इन चीज़ों से। तो इस तरह की बातें करने से ये दिलों में फर्क पैदा होता है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम अगर कोई बुत परस्ती कर रहा है, सलमान खान अगर आरती की थाली लेकर गणेश जी की प्रतिमा की आरती उतार रहे हैं तो वो मुसलमान बने रहेंगे? इस्लाम उनको शिर्क
नहीं मानेगा कि वो शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह के नजदीक कोई, अल्लाह के नजदीक कोई माफी नहीं है। फिर भी मैं सोचता हूँ कि अल्लाह इज द बेस्ट जज, वही फैसला करेगा। सलमान खान साहब ने अगर रिचुअल्स जो होते हैं, वैदिक रिचुअल्स होते हैं, सनातन धर्म के रिचुअल्स होते हैं, हम सबके रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हैं, हम क्यों उनको गलत कहें। उन्होंने वो कर लिया और अकॉर्डिंग टू किसी मुफ्ती के वो इस्लाम से खारिज हो गए, तो ये ठीक है। अगर ऐसा माना जा रहा है तो ठीक है, दोबारा कलमा पढ़ लें, माफी मांग लें। आप बाकायदा अगर पूजा करेगा तब कोई ऐसा है, तब वो शिर्क हो जाएगा और फिर वो अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल नहीं है। जाती है गणपति की पूजा के बाद भी मिठाई बांटी जाती है। अब उसको ये कह रहे हैं अगर कोई मुसलमान वो मिठाई खाता है उसमें ये कि वो शिर्क हो गया, गणपति जी को सबसे बड़ा भगवान मान के वो बांटी जाती है। इसमें मैं कहना चाहूँगा आप ऐसा सोच के ना खाइए। अगर आपको कहीं इस प्रसाद मिल रहा है, चाहे वो गणपति की पूजा में मिल रहा है, दिवाली के पूजा के बाद मिल रहा है, उसको अगर आपको दिया जाता है, आप उन लोगों के बीच में बैठे हैं, आपके कोई दोस्त हैं, कोई बॉस हैं वहाँ पे, तो आप बिला शुबा उसको खाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ के, कलमा पढ़ के खाइए। आपका 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 इस्लाम वही रहेगा, आपका इस्लाम बिल्कुल नहीं लेगा। बिल की खुशी थी, ये क्या जज्बात थे। जब भी कुछ अच्छा होता है, नाजिया इलाही खान को कभी हम शिव टेंपल में पाते हैं, तो कभी गणेश जी की पूजा करते हुए पाते हैं, क्या कहेंगी नाजिया जी। देखिए इस्लाम में तो महिलाओं का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई औकात ही नहीं है। मैंने गणेश जी की पूजा अपने ऑफिस में ही की है, अपने चैम्बर में ही की थी कल, और बहुत धूमधाम से की थी। गणेश चतुर्थी के इस मुबारक मौके पर, इस इतने पावन मौके पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जो एक तोहफा दिया, उनकी जो इज्जत अफजाई की है, उनका जो मान मर्यादा मर्तबा इस पूरी दुनिया के सामने, जो भारतीय नारियों का जो मर्तबा बढ़ाया है, उसको शुक्रगुजार करने के लिए और उसको वंदन अभिनंदन करने के लिए मैंने गणेश जी की पूजा पहली बार मैंने अपने चैम्बर में ये किया है, अपने चैम्बर में। और पहली बार की है नहीं, लाइफ में कई बार किया है, पर अपने चैम्बर में इस पूजा को मैंने पहली बार किया है। जब हम गणेश भगवान जी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अपनी माता को और अपने पुत्र को, ये जो दो रिश्ता है, इतना खूबसूरत रिश्ता है गणेश भगवान जी का और उनकी माता का, दो माता पुत्र के बीच का रिश्ता जो इतना खूबसूरत है, वो इतनी ज्यादा मान मर्तबा और इज्जत देते थे अपनी माता को गणेश भगवान, ये जिसको मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती हूँ। इसलिए गणेश चतुर्थी के इस मौके पर जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री जी ने भारत की महिलाओं को, भारतीय नारियों को इतना बड़ा तोहफा दिया 33% रिजर्वेशन का, और जिसका नाम रखा है उन्होंने नारी शक्ति वंदन उन्होंने रखा है। चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल पर जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने उस साउथ पोल का नाम ही शिव शक्ति रखा था, तो उसी तरीके से 33% रिजर्वेशन पर उन्होंने उसका नाम रख दिया नारी शक्ति वंदन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। शाला मैं आपको बताना चाहूंगी, ये सनातन धर्म जो है ना, इतना खूबसूरत धर्म है कि हमें लक्ष्मी का रूप समझा जाता है। बेटियों को देवी की तरह उनको मान मर्तबा और इज्जत दी जाती है, उनको मर्तबा दिया जाता है। आपको मैं बताऊं कि जब यहाँ पर नई प्रॉपर्टी, नई गाड़ी और नई चीजें खरीदी जाती हैं, तो अलता लगा करके हमारे हाथ का छाप जो है ना, लक्ष्मी का रूप मान करके हमारे हाथ का छाप जो है वो दीवारों पर दिया जाता है, हमारे पैर में अलता लगा करके पैरों के छाप जो है वो जमीन पर दिए जाते हैं। तो जो धर्म इतनी खूबसूरत तरीके से महिलाओं को रिस्पेक्ट करता है, हर लड़की जो एक पाकिस्तानी है या जो बांग्लादेश से ताल्लुक रखती है, वो यही कहेगी कि काश मैं एक भारतीय होती, क्योंकि मेरा प्राइम मिनिस्टर मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमें रिप्रेजेंट नहीं करे, साठ को भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नए भारत की बात है, भारत का एक स्टेटस है, भारत को लोग जानते हैं, ये नया भारत है। जी आपके जो कंट्री का जो एनवायरमेंट है वो एक सेकुलर है। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि साफ तौर पर उनका मतलब मौलाना का कहना था और लोगों का, पाकिस्तानी लोगों का कहना था कि ये शिर्क है, ये जुर्म है। आप कभी भी मतलब हिंदू देवी और देवताओं का अपने घर पर उनकी मूर्ति रखकर, मतलब वो तो बुत परस्ती कहते हैं लेकिन हम तो मूर्ति कहते हैं, तो मूर्ति पूजन आप अपने घर पर नहीं कर सकते। लेकिन ये मतलब मुझे तो नहीं लगता ये अगर लिखा गया है उनके पुस्तक में तो ये तो बहुत ख़राब चीज़ है। इसके इस तरीके की कहीं पर लिखन होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तरीके से ये अगर हुआ तो आप तो दूसरे धर्म को हेट फैला रहे हैं, मतलब दूसरे धर्म के खिलाफ। अगर ये नहीं है, अगर ये उनके मतलब पुस्तक जो मतलब बुक में नहीं है और इसको ये लोग फैला रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बड़ा मामला है। इसको तो सरकार, इसके ऊपर स्टेप लेना चाहिए। और पाकिस्तान में तो आप जानते हैं वहाँ पर तो कुछ मतलब राइट टू फ्रीडम नहीं है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहाँ पर नहीं है। कहाँ जो 1947 में वहाँ पर हिंदू 20% थे, अब 1% तक भी नहीं है। कहाँ गए ये सब? मर गए, उनको मतलब कौवा ले गया उठाकर, कहाँ गए सभी के सभी को? इन्होंने किसी को मारा, किसी को मतलब कुछ किया और किसी को जो मतलब बड़े तौर पर इन्होंने कन्वर्ट कर लिए। तो यही हाल है पाकिस्तान का, तो कर भी क्या सकते हैं। तो पाकिस्तानी मौलानाओं को तो दिमाग में
तो गोबर भरा हुआ है और कीचड़ भरा हुआ है उनके दिमाग में, मतलब सभी माइनॉरिटी को लेकर, ना वो हिंदू को, सभी को तो वो हेट करते हैं। और हालात इस तरह के हो गए, अपने ही जाति में भी वो बट गए हैं पाकिस्तान में, वही मुसलमान जो है, तो और क्या कह सकते हैं। मतलब पाकिस्तान से आपको उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए। अगर इंडिया में भी कोई गणपति पूजा कर ले, दिवाली मना ले, होली मना ले, तब उनकी पेट में दर्द हो जाता है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल वीडियो बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और ये जो हमारे मुस्लिम बहनें हैं, ये जो गणपति पूजा कर रही थी और इसको लेकर पाकिस्तानी मौलाना का जो बात है, इसको लेकर आपका क्या राय है कॉमेंट सेक्शन पर जरूर मैंशन करिएगा। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।